तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर मीम वीडियो। भाई मैं लिटरली अभी ऐसा उज्जवल भाई की वीडियो देखी थी एंड ऐसा ही इंट्रो था बिल्कुल, तो मैंने कहा क्यों ना छाप लिया जाए। बेटा इतने झूठ मारूंगा भाई, लिटरली मेरे पास अभी तक मेरा कोई इंट्रो नहीं है। मेरे को वीडियो को स्टार्ट करने में 10 मिनट लग जाते कि क्या बोलूं, बट कोई नहीं, अब मैंने बोल दिया ना, अभी अपन वीडियो स्टार्ट करेंगे सीधा। ओके नॉर्मल फ्रेंड्स, टेंशन मत ले भाई, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। भाई तू दवाई टाइम से लेता रहियो और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना, गेट वेल सून भाई। बेस्ट फ्रेंड साले मर गया क्या? तेरे मरने के बाद ना तेरी गर्लफ्रेंड को मैं बता लूंगा और तेरे फोन का लॉक खोल के तेरे बाप को दे दूंगा। मेरे दादाजी भी एक दिन ऐसे ही मर गए थे। यार कितना आरामी दोस्त है भाई। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं हूँ ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैं हूँ ना, मेरा कोई भाई भी नहीं है। मी वो तुम्हारे माँ बाप की गलती है। अरे आजा, मैं तो तेरी बाट देख रहा था। क्यों? अरे भाई एक बार का चिड़ी का हाथ लगवा दिए, मैं नहीं लगवाता। क्यों? या चीनी सी गठरी नहीं उठ रही तेरे पे? अरे भाई बहुत वजन है मेरे पे, नहीं उठ रही। वजन की बात बता तू, जब कल तू केला केला अपनी बहू को ठाल लग रहा था 10 धड़ी की नू कोली में, जब तो ना कहा आ जासू भाई मेरी बहू को हाथ लगवाते। चीनी सी गठरी तेरे उठने खाले जा केला। अरे जा बहू का हाथ लगवा दू, पागल। योर साइंस बहुत आगे पहुंच गई। अजी मेरा कद्दू पहुंच गई, कुछ भी ना पता साइंस को। कैसे? भाई साइंस ने बोला है पानी उबाल के पीना चाहिए, उसके कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन साइंस को ये नहीं पता उन कीटाणुओं की डेड बॉडी तो पानी के अंदर ही रह जाती है। क्या तो सही है। पागल साइंस है, दिमाग देख रही है मेरा। और क्या भाई, लॉजिक है भाई। So, you dating my ex now? Oh yeah, bro. Look, I hope you ain't mad. Oh no. No, I'm not. It's just that I've been having a crush on her for a long time, and since you left her, I thought, oh, you thought maybe I should step up, you know? I'm glad that you think. I'm glad that you understand, bro. I gotta take this as mom. That's cool. Mom? Son, take 50 bucks from your stepdad and buy some bread, okay? Stepdad? What stepdad are you talking about? I thought because your dad left, I should step up. ये क्या था भाई, ये चल रहा है? Oh my वही तरीका काम करते क्या, मेरे को बताओ प्लीज। यार एक बात बता, शादी में लड़का घोड़े पे ही क्यों आता है? अरे यार गधे पे गधा बैठा हुआ अच्छा थोड़ी लगेगा। लॉजिक है भाई। बाबू मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अरे दीदी। बेबी आज मेरा बर्थडे है, तुम मुझे क्या दिलाओगे? बेबी आज तुम जिस पे भी हाथ रख दोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। सच्ची? हाँ। बेबी जल्दी आओ। भगवान ठीक है बेबी, ये गाड़ी तुम्हारी हो गई। मिल गया है। होली हैप्पी होली। हेलो गाइस। आइए सर। तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से होली की होली की हार्दिक पांड्या।
आज मैं तुमसे सिर्फ दो ही सवाल पूछूंगा। अच्छा। ओके सर, आज मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा। चलो भाई। पहला सवाल, इस वाक्य को पूरा करो। 100 चूहे खाकर बिल्ली डैश को चली। ये फंस गया सी है। 100 चूहे खाकर बिल्ली मटक मटक कर चली। नलायक, जब पता नहीं है तो कुछ भी क्यों बोल रहा है। सर वो तो मैंने आपका लिहाज करके आंसर भी दे दिया, वरना 100 चूहे खाकर तो बिल्ली हिल भी नहीं सकती। दूसरा सवाल, मछली खाने के बाद दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? ये समस्या है। सर मछली खाने के बाद दूध क्या कोई भी लिक्विड चीज नहीं पीनी चाहिए? वो क्यों? सर ऐसे तो फिर मछली पेट में तैरने लग जाएगी। कुछ भी, खाली बातों। हाँ कौन है? सर मैं हूँ। क्या बोला तूने? भाई सब मैं ही होते हैं। हो कौन तुम और क्या काम है? सर काम बताता हूँ, कुंडी तो खोलो। तो वहीं से बोल लो, कुंडी तुम्हारे मुंह में थोड़ी लगाई है। सर वो हम कॉकरोच के लिए पाउडर बेचते हैं, आप लेंगे? अच्छा। नहीं भाई, हम कॉकरोच को इतने लाड़ प्यार से नहीं रखते। आज पाउडर देंगे, कल को क्रीम मांगेगा। आदमी उसे ही मारता है जिसे प्यार करता है। और आप क्या समझते हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती? यार आज सब्जी ना थोड़ी कच्ची लगी, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मुझे पकाने में तो बहुत एक्सपर्ट है, सब्जी को कैसे कच्चा छोड़ दिया तूने? बार बोल, आप बोल। अरे भाई क्यों मार रहा है इसे? अरे सालो कबाड़ी वालों कह रहा हूँ मेरे से। कबाड़ी वाले कबाड़ी वाला इसे कहेंगे? हाँ कबाड़ी वालों कह, लेकिन इज्जत से बोल, प्रोफेशनल कबाड़ी वाला। इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है मेरा, 200 फॉलोअर है, ऑनलाइन चेक कर लियो। ऑफिशियल कबाड़ी वाला। इज्जत भाई सब कुछ यार। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। उतर गया है। तुम स्वाति को फोन करके क्या बोल रही थी? मेरी ड्रेस बहुत ज्यादा चीप था। तो क्या गलत कहा मैंने तुम्हें? तुम मैं बताती हूँ, उसने तुम्हारे सामने मेरी इतनी इंसल्ट की, तुमने एक वर्ड नहीं बोला। तो मैं क्या करता? तो बुत बन के खड़े रहोगे। तो तुम क्या चाहती हो, मैं विहान के साथ जाके लड़ूं? ठीक है अभी आया, समझा ले अपनी जसलीन को। तू नेहा को समझा ले, अच्छा नहीं होगा, उसने शुरू किया था। अच्छा चल ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन आइंदा जसलीन ऐसे ना बोल ले। नेहा को बोल, वो भी हाथ में रहे। कॉल किया था तूने? अरे गलती से हो गया था। कौन, तू या कॉल? डॉक्टर साहब मेरी टांग को देखो, बिल्कुल नीली पड़ गई है। ओ माय गॉड, आपकी तो टांग पूरी नीली पड़ गई है, इसे काटना पड़ेगा नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। क्या? आइए इसे काट के नकली टांग लगाते हैं। चलो। डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, ये नकली टांग भी नीली पड़ गई। नकली टांग भी नीली पड़ गई? ओ इसका मतलब तुम्हारी जीन्स कलर छोड़ रही है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भाई टांग तो बदल दी पर। यार पिछले 15 मिनट से देख रही हूँ, वो छिपकली ना दूसरी छिपकली के पास जाती है, झगड़ा करती है, फिर भाग जाती है, फिर वापस जाती है, झगड़ा करती है, फिर भाग जाती है। वो पक्का उसकी बीवी होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जो झगड़ा करती है वो बीवी? आज तक मैंने तुमसे कभी झगड़ा किया? हाँ कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात की? नहीं की ना। मतलब तुम मेल्स का ना सारा दिमाग यही है कि जो झगड़ा करती है ना वो बीवी ही होगी, वो फीमेल ही होगी। अभी क्या कर रही है भाई ये? ओ भाई साहब आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है यार। बड़ा भाई हाइट क्या होगी भाई साहब आपकी? थैंक यू भाई, मैं 6'3" का हूँ। भाई साहब 6'3" हाइट है आपकी, इतना ऊपर अकेले मन लग जाता है आपका। एब्स देखेंगे मेरे? जब से शादी हुई है एब ही एब देख रही हूँ तुम्हारे अंदर। सिर्फ इतना है, पहले ये ऐप सिर्फ मुझे दिखते थे, अब तुम्हें भी दिखने लगे। एक नंबर का ऐप था। <था। laughs>
यार कितने अच्छे से दिखाने आया था यार। सुनो, वेटिंग और वेल्डिंग में डिफरेंस बताओ। वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर दो चीजें आपस में हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। और वेडिंग में पहले चीजें आपस में जुड़ती हैं और फिर जिंदगी भर चिंगारियां ही निकलती रहती हैं। हाँ। इतना सच थोड़ी बोलते हैं यार। भैया पेट दर्द की दवाई देना। ये लो मैम, 20 रुपए हो गए। भैया इसमें कोई और कलर नहीं है क्या? भाई क्या है वो दवाई है? मम्मी देखो फिर खा गया, पूरे 4 पीस थे इसमें, गिन के रखे थे, मैंने 2 पीस खाए इसमें, तूने ही खाए। अरे मैंने नहीं खाया। खाया कसम तूने नहीं खाया। भाई ये तो सबके घर की कहानी है। बीवी का खौफ शानदार है। कहाँ से लाया? डर लगता है भाई। ओ भाई ये जगह बढ़िया भाई, यहाँ मनाएंगे पिकनिक। पिकनिक? अबे यार कोल्ड ड्रिंक तो रहेगा ही। सुहेल एक काम कर, तू जा कोल्ड ड्रिंक लेना। देखो एक शर्त पे जाऊंगा, मेरे आने से पहले कोई पकौड़ी नहीं खाओगा। अरे कोई ना खाएगा यार, ये सही है। अभी तक नहीं आ रहे। अब अंधेरा हो गया यार, ये कब आ गए? शुरू कर तू इसका अंधे आ गए जब आ गए। मुझे पता थी सालों तुम ऐसी करोगे, इसलिए मैं गया ही ना। अबे यार ये कौन सी बात है तेरी? अबे बाबला है कौन है तू यार? हम बैठे कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में इतनी देर से मर गए। ये क्या बात होती है? अब मालिक हैंडल सही करेंगे घर। अरे क्या बोला तूने? नहीं देखिए ये बीच में है, ये इधर इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, रास्ता देखिए, इतना बड़ा रास्ता नहीं दिख रहा है। नहीं है क्या? तो बच्चों आज हम ग्राउंड में खेलने नहीं जाएंगे, तो सारे बच्चे यहीं क्लास में बैठे रहो। मगर क्यों? ये क्या बात हुई सर, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? बताओ। जब मैंने कह दिया नहीं जाएंगे तो सर आप भी जाओ फिर यहाँ से, साइंस वाले सर को भेज दो, हम कुछ पढ़ी लेंगे। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं, बुक खोलो मैं पढ़ा देता हूँ साइंस तुम्हें। नहीं सर उन्हीं को भेजो, आपको कुछ नहीं आता। इज्जत नहीं है भाई। अच्छा बेटा कोई भी सवाल पूछ लो मुझसे, उसके 3 जवाब दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा क्या बात कर रहे हो सर? मैं नहीं मानता। और क्या सर, आपके पापा का क्या नाम है? दो भाई अब 3 जवाब दो। अगर मैं तुमसे गुस्सा हो गई तो तुम क्या करोगे? तो मैं चला जाऊंगा। हाँ तो मुझे मनाओगी नहीं? तुम मानती कहाँ हो? भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, तूने एक अबला मर्द की इज्जत पे हाथ डाला है। फोन भी रख के उधर। तुझे पता तेरी शक्ल कैसी है? कैसी? मेरी किस्मत जैसी। मतलब? बहुत बुरी। सही तो बोला यार उसने। The girls. शिट यार पेट्रोल खत्म हो गया। Oh no. हेलो। हेलो बेबी, मेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया, जल्दी आओ। अरे बेबी मैं तो बाहर हूँ यार जरूरी काम से। बेबी मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करके आओ। चल अच्छा आ रहा हूँ। तेरे पीछे पीछे चलते रहना। बेबी पेट्रोल पंप आ गया। एक काम करो, जो इमरजेंसी वाली बोतल दी थी ना मैंने, उसको भी निकाल लो, उसको भी फिल करा लेंगे। अरे बेबी ये तो फिल है, डाल ली क्यों नहीं? तो बेबी ये तो इमरजेंसी के लिए है ना। भाई ये क्या बात होती है? ओह शिट, क्या देखा मैंने ये अभी। ओके तो आई गेस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे होती है खत्म। एंड देखो मुझे पता है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, मेरे खुद से पता लग जाएगा। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय।